वेलकम टू साहिल एडिट्स। वीडियो के थंबनेल में देख के तो आप लोगों ने पता लगा ही लिया होगा कि वीडियो किस टॉपिक में होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। सो हे गाइस, सबसे पहले कैपकट ऐप को ओपन कर लेंगे। अगर आपके पास कोई VPN है तो उसको ऑन कर लें, नहीं तो इफेक्ट वगैरह सब नहीं दिखाएगा। तो फ़ोटो को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे फ़ोटो को थोड़ा लेंथ बढ़ा कर लेंगे और फिर ऑडियो को ऐड कर लेंगे। इंस्टाग्राम में आपको मिल जाएगा ऑडियो। फिर ऑडियो जितना है उसको वीडियो को उतना ही सेट करके वीडियो को थोड़ा सा कट कर लेंगे स्टार्टिंग में एक इफ़ेक्ट डालने के लिए। और इसको सेलेक्ट करके इफेक्ट पे जाएंगे। बॉडी इफेक्ट पे जाने के बाद इधर ट्रेंडिंग में ही रहेगा, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और फिर एडजस्ट करेंगे इसको। सो साइज़ को यहाँ पे 34 करेंगे और रेंज को यहाँ पे फुल 100 करेंगे और ट्विस्ट को 54 पे रखेंगे और फिल्टर को 51 पे रख लेंगे और फिर स्पीड होगा 100। इसको डन देते हैं। फिर वीडियो जितना है उसको इफेक्ट को एडजस्ट कर लेते उतना ही। फिर नेक्स्ट अगला इफेक्ट ऐड करते हैं बॉडी इफेक्ट पे जाने के बाद। फिर उधर ही रहेगा, ये भी ट्रेंडिंग में ही, इसको भी थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं और इंटेंसिटी को 68 पे रखेंगे, साइज़ को रखेंगे 42 पे, रेंज को रखेंगे 35 और स्पीड को रखेंगे 13 पे और फिर कलर को रखेंगे 13 पे और फिर इफ़ेक्ट को वीडियो के एंड तक डाल लेंगे इतना ड्रैग करने के बाद। और जो उनका वाटर मार्क है उसको हटा लेंगे, डिलीट करेंगे यहाँ पे और फिर यहाँ से और यहाँ पे थोड़ा बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद इधर ओवरली पर जाएंगे, ऐड ओवरली पर क्लिक करने के बाद वो कॉपी शेयर वाला इफ़ेक्ट जो है उसको ऐड करेंगे PNG को। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका लिंक। इसका साइज़ थोड़ा छोटा करने के बाद इसको फुल डाल लेते हैं, वीडियो के एंड तक रखते हैं और बस इतना ही, वीडियो आपका रेडी हो गया है। सो यहाँ पर वीडियो को क्वालिटी थोड़ा बढ़ा करके उसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। सो गाइस, जब तक ये वीडियो एक्सपोर्ट हो रहा है तब तक आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो गाइस प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर और अगर मेरी वीडियो सबसे पहले आप देखना चाहते हो तो बेल आइकन को ज़रूर दबा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।